जरा मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे। बताऊं बताऊं, देखिए कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं, सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश, अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। देखिए हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में, तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं,
बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ भाइयों बहनों। मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए, अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है देते रहिए, ईज ऑफ लिविंग होता है देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, आप खुद इस बात के साक्षी है कि यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने किस हाल छोड़ दिया है। आप इस बात के साक्षी है कि यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है। हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे। साथियों, तेलंगाना हैदराबाद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। 2013 में मैं नव भारत युवा भेरी उसमें शामिल होने आया था। उस वक्त में अपनी पार्टी का पीएम उम्मीदवार भी नहीं था, मैं सिर्फ एक सीएम और प्रचार समिति का प्रमुख था, लेकिन जो स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया, हैदराबाद ने दिया, तेलंगाना ने दिया, वो हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था और मैं कभी आपके उस प्यार को भूल नहीं सकता हूं। और मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाता रहता हूं, लौटाता रहूंगा, विकास करके लौटाता रहूंगा। भाइयों, तब मैंने कहा था कि हमारी सरकार इंडिया फर्स्ट के विजन और संविधान को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी, और सरकार बनाने के बाद हम निरंतर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने सुशासन का एक नया रूप देखा है। पहली बार देश की जनता को लग रहा है कि गरीब की हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बन गई है। यही कारण है कि जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो केंद्र सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पूरे देश में गरीब भूखा ना सोए, इसलिए अभी तक केंद्र सरकार 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। इससे तेलंगाना के भी लगभग 2 करोड़ साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। गरीब के जीवन की सुरक्षा हो, इसलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमने मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई। केंद्र सरकार हर लाभार्थी तक पहुंचने की अप्रोच के साथ काम कर रही है, सैचुरेशन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि तेलंगाना में यहां की सरकार को गरीब के लिए होने वाले विकास कार्यों में परेशानी है। केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद यहां की सरकार ने पीएम आवास योजना के घर बनाने में रोड़े अटका दिए।
देश भर में पीएम आवास योजना के 3 करोड़ घर गरीबों को बनाकर हम दे चुके हैं।